The Delhi High Court has refused to lift the ban on e-rickshaw, though there is a hearing that will happen on Monday. Additional Solicitor General of India, Pinky Anand, said that many guidelines were presented and the court will try to finalize the rules as soon as possible. She said the court was asked for a relaxation till the rules were decided. She said some rules were now being brought about for e-rickshaw. The Delhi High Court had directed the state government to stop e-rickshaw from plying on the city roads. हम तीन चीज़ें कर दें तो उसको कंसिडर करते हुए कोर्ट आगे उसको विषय को देख सके. तीन विषय ये थे कि पब्लिक सेफ्टी का जो मुद्दा है वो दिल्ली पुलिस देखे कि चार पैसेंजर से ज़्यादा ई रिक्शा के ऊपर नहीं हो. दूसरा कि जो ई रिक्शा चलते हैं वो ऐसी सड़कों पे चले जहां दिल्ली पुलिस नियुक्त करे और वो साइकिल रिक्शाज की तरह हो, मेजर हाई स्पीड रोड्स के ऊपर ना हो. और तीसरा जो ई रिक्शा एसोसिएशन है उनसे हमने दरख्वास्त की थी और उन्होंने माना भी कि एक इंश्योरेंस कॉर्पस सेटअप कर दिया जाए जिसके तहत, क्योंकि आज की तारीख में ई रिक्शाज की इंश्योरेंस नहीं हो सकती, तो वो कॉर्पस के अमाउंट से जो ई रिक्शा एसोसिएशन वाले, अगर कोई हादसा होता है जो नहीं होना चाहिए भगवान करे, लेकिन अगर होता है तो कुछ पेमेंट जो घायल व्यक्ति होता है उसको दी जा सके. तो ये तीनों प्रपोजल रखी थी. कोर्ट ने भी कुछ अपने दो तीन सुझाव और दिए हैं जिसमें हमें कंसिडरेशन करनी है. आज शाम को हम लोग एक हाई लेवल मीटिंग करके सारी अथॉरिटीज़ को बिठाकर इस विषय को देखने जा रहे हैं. मंडे को 2 बजे कोर्ट ने E-rickshaws were started in 2012 and have mushroomed in the city in recent months. The mode of transport have provided the much-needed last-mile connectivity. They are not covered under the Motor Vehicle Act as they are battery-operated and are therefore non-regulated. तो identification of the e-rickshaw के लिए court के पास दो मुद्दे थे. एक तो ये था कि इनकी proper registration हो जानी चाहिए. दूसरा मुद्दा हमने कोर्ट को ये सुझाव दिया कि जब तक इनकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होती तब तक इनके टोकन द्वारा आइडेंटिफिकेशन दी जाए, ताकि मुश्किल सिर्फ ये आ रही थी कि ई रिक्शा को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. तो अगर इन द मीन टाइम इन ट्रेगनम में जब तक प्रॉपर रूल्स नहीं बनते और प्रॉपर मोटर व्हीकल्स के अमेंडमेंट नहीं होती, तब तक उसमें ये कहा जा सकता है कि अगर ये रूल्स बन जाएंगे तो कम से कम इन ट्रेगनम पीरियड में अगर टोकन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और ये इनको लाइसेंस जो मिल जाते हैं, तो लाइसेंस के लिए भी कोर्ट ने कहा है कि एक मास अप्रोप्रिएट रूल्स बना के या अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस बना के इनको इजीली लाइसेंस भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं. और फिर ये कहा गया कि इनकी इंश्योरेंस के लिए भी अगर प्रावधान हो तो हो सकता है. इन द मीन टाइम एक कॉर्पस फंड की भी एक सुजेशन दी गई कि एसोसिएशन के तरफ से कॉर्पस फंड भी हो जाए. इन द मीन टाइम कोर्ट ने ये कहा है कि हम इसको मंडे को फिर कोर्ट इसको सुनेंगे. Powered by NNIS.